हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक श्रग लेकर आए हैं। इसको हमने ऊन से बनाया है, बट अगर आप इसको धागे से बनाना चाहते हैं गर्मी में यूज़ करने के लिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो अलग से बना दूंगी। बट कमेंट जरूर करना है आपको, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आगे की वीडियो मिलेंगी, वरना कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो ये देखिए, हमने जो श्रग बनाया है आप लोग देख सकते हैं, येलो ग्रीन कलर में बहुत ही प्यारा सा है। इसको आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगने वाला है ये देखिए। और साइज़ की बात करूं तो मैंने स्मॉल साइज बनाया है, बट अगर आपको इसको बड़ा साइज में बनाना है तो एक वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लें। तो आगे से इसका लुक देख लें, बहुत प्यारा सा है, टॉप की तरह आता है और पीछे से श्रग की तरह लगता है, तो बहुत प्यारा सा है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, बड़ा बनाने के लिए आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देखें। तो सबसे पहले आप 70 चेन बना लें, ठीक है, 70 चेन बनानी है, 3.5 mm का हुक लेना है। अब तीन चेन हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं, एक दो तीन, चौथी वाली चेन में डालकर हम एक डबल क्रोसिया बनाएंगे। जो तीन चेन ली हैं इसको काउंट करेंगे तो ये दो डबल क्रोसिया हो गई, ठीक है, एक और ये दो। इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो यहाँ पर तीन डबल क्रोसिया हो जाएंगे। आप मेरे हाथ पर ध्यान ना दें, क्योंकि होली का टाइम है तो ये रंग उंग लग ही जाता है, ठीक है। तो ये तीन डबल क्रोसिया हो गई हैं, और अब हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन को स्किप करेंगे, छोड़ेंगे, सेकंड वाले में डालकर एक डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, दो डबल क्रोसिया हो जाएंगी। फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो तीन हो जाएंगी, ठीक है। तीन डबल क्रोशिया के बाद हमें क्या करना है, एक चेन लेनी है और एक चेन छोड़नी है, स्किप करनी है, ये देखिए, ठीक है। तीन डबल क्रोशिया हो गया, अब एक चेन लेकर और एक चेन छोड़ेंगे, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। एक चेन ले ली हमने और एक चेन को छोड़ देना है, सेकंड वाले से स्टार्ट करना है। तो एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे हम, तो यहाँ पर दो डबल क्रोशिया हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो तीन हो जाएंगी। तीन डबल क्रोशिया के बाद फिर हमें एक चेन लेनी है और एक चेन को छोड़ना है, ये देखिए इस तरीके से बन गया। फिर एक चेन लेकर और एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाले में डाल के बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें तीन तीन डबल क्रोशिया के बाद बनाना है, एक चेन लेनी है और एक चेन छोड़ना है, ठीक है। तो हम टोटल 8 बार ये डिज़ाइन बना लेंगे, उसके बाद हम आगे आपको दिखाएँगे। तो अभी हमारे पास ये 4 बार डिज़ाइन बनी है, 1, 2, 3, 4, 8 बार बनाने के बाद दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बार बना लिया। अब हम बीच में कॉर्नर बनाएंगे, तो कॉर्नर के लिए देखिए क्या करेंगे, एक चेन हमने ले ली है, एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाले में डालकर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक वापस इसी जगह बनाएंगे, सेम इसी चेन में डालकर बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हो जाएंगी, देखिए, ठीक है। अब दो चेन, एक दो, दो चेन लेकर वापस इसी जगह दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो कॉर्नर पर हमें हर रो में ऐसे ही बनाना है, कॉर्नर पे हमें कोई चेंज नहीं होना है। ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन गया है और हमें एक ही कॉर्नर बनाना है, ठीक है। तो हमने बीच में कॉर्नर बना लिया है, और अब हम एक चेन लेकर, देखिए यहाँ पर हमारी हर रो में ऐसे ही बनेगा। अब हम फिर से एक चेन लेकर और एक चेन को छोड़ेंगे, सेकंड वाले में डालकर एक बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली चेन में डाल के बनाएंगे तो दो डबल क्रोशिया हो जाएंगी, देखिए। फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो तीन हो जाएंगी। तीन डबल क्रोशिया के बाद फिर से हमें वही रिपीट करना है, एक चेन लेनी है और एक चेन को छोड़ना है, ठीक है। एक चेन छोड़ेंगे, फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो फिर से हम 8 बार बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके की डिज़ाइन को 8 बार बना लेंगे, फिर आगे क्या करना है वो आपको बताएंगे। ये देखिए, अब ये 2 बार डिज़ाइन बन गई है हमारी, 1, 2, 8 बार बनाने के बाद बताएंगे क्या करना है। तो ये देखिए इस तरीके से दिखेगा, हमने 8 बार डिज़ाइन बनाई है, बीच में कॉर्नर है हमारा। फिर देखिए, हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बार ये डिज़ाइन इस साइड भी बना ली।
अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे और अपनी अगली रो स्टार्ट करेंगे। तो ये तीन चेन बना ली हमने, इसको घुमाएंगे और फर्स्ट वाली चेन में ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चेन को काउंट किया तो ये दो डबल क्रोशिया एक चेन के अंदर हो गई हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक चेन लेनी है और जो बीच में आपको स्पेस दिखेगा ना इसमें, इसके अंदर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक, दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया हमने बनाना है, ठीक है। फिर हम एक चेन बनाएंगे और बीच में जो स्पेस दिखेगा इसमें बनाएंगे तीन, एक, दो, तीन। फिर से हम एक चेन बनाएंगे और इसमें बनाएंगे तीन। से एक चेन लेकर फिर बनाएंगे, तो ऐसे ही बनाते हुए हमें कॉर्नर तक आना है, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हम फिर से एक चेन बना के और कॉर्नर के अंदर वही रिपीट करेंगे, दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया, ठीक है। तो देखिए पहले एक चेन लेकर कॉर्नर के बीच में इसमें डालेंगे और यहाँ इसके अंदर बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया बना लिया, वापस इसी जगह एक और बना लिया, दो हो गई, ठीक है। अब दो चेन बना के फिर से इसी जगह बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, एक और दो, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमें एक चेन बनानी है और जैसे हम इधर देखिए कॉर्नर पर हमें कोई चेंज नहीं करना है, हर रो में ऐसे ही बनाते जाना है, ठीक है। फिर एक चेन लेकर और हम इसके आगे भी सेम जितनी भी स्पेस देखेंगे सब में तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें बनाएंगे देखिए यहाँ पर तीन। एक चेन बना के यहाँ पर तीन बनाएंगे। पूरी रो ऐसे ही बना के फिर दिखाते हैं। हमने ये पूरी रो बना ली है, अब अगली रो स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले एक चेन लेकर ये लास्ट में हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर अगली रो स्टार्ट करेंगे। देखिए एक बना ली और एक और बना ली, ठीक है, लास्ट वाली चेन पे। तो दो रो हमारी बन गई हैं। अब तीसरी रो देखिए कैसे बनानी है, फिर से वही रिपीट करेंगे, तीन चेन बना के और इसको घुमाएंगे और फर्स्ट वाली चेन में ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो ये दो डबल क्रोशिया हो गई हैं, ठीक है, एक चेन के अंदर दो हो गई। अब एक चेन लेके फिर से जो स्पेस दिखेगा इसमें तीन बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बनाया था सेम वैसे ही बनाना है, जितने भी स्पेस दिखेंगे सब में तीन तीन डबल क्रोशिया बनाते जाना है, एक एक चेन लेकर, ठीक है। इसमें तीन बनाएंगे, फिर एक चेन लेकर और यहाँ बनाएंगे तीन, तो ऐसे ही बनाते जाएंगे हम, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए हम कॉर्नर के पास आ गए हैं, एक चेन लेके यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, दो डबल क्रोशिया के बाद दो चेन बनाएंगे और वापस दो डबल क्रोशिया, ये देखिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कुछ रो बना के फिर आपको दिखाते हैं, सब में हमें तीन तीन बनाते जाना है, तो तीन रो कंप्लीट हो जाएंगी। और इसी तरीके से हम लास्ट में भी बनाएंगे, एक चेन लेकर यहाँ पर देखिए दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। सिंपल है, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और कुछ रो बनाने के बाद फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने देखिए 10 रो बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 10 रो हमने बना लिए, इतना बना लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, सिंपल सा है। अब देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे हम, एक, दो, तीन,
और यहाँ पर फर्स्ट वाली चेन में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चेन को काउंट किया तो ये दो डबल क्रोशिया हो गई, ठीक है। अब हमें जाली डालनी है, तो एक चेन लेकर और एक चेन को हम इसमें देखिए बीच में जो स्पेस देखेगा इसमें डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेनी है हमें। अब हमने जो तीन डबल क्रोशिया बनाया है तो बीच वाली चेन के ऊपर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चेन लेकर बीच में जो स्पेस है इसमें बनाएंगे। फिर हमें एक चेन लेनी है और इसमें तीसरे वाले बीच वाले में बनाएंगे हम, ठीक है। फिर एक चेन लेकर स्पेस जो दिया है इसके अंदर बनाएंगे, यहाँ पर जाली के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लेकर जो तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच वाले पर बनाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे ही हमें बनाते हुए कॉर्नर तक लेकर आना है, ठीक है। कॉर्नर तक हम आ गए हैं। अब फिर हमने एक चेन ले ली है, बीच में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और दो चेन और दो डबल क्रोशिया। कॉर्नर पर हमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से दो डबल क्रोशिया हो गई। अब दो चेन, एक दो, फिर दो डबल क्रोशिया, ठीक है, इस तरीके से। फिर एक चेन बनानी है हमें और इसके अंदर बनाएंगे। जैसे अभी हमने इस साइड एक साइड का बनाया था वैसे ही हमें दूसरी साइड का कंप्लीट करना है। फिर आगे आपको दिखाते हैं, ठीक है। पूरी रो हमारी बन गई है। अब फिर से हम तीन चेन बना के इसको घुमा लेंगे। घुमाने के बाद देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हो गया, सेकंड वाले में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। फिर एक जाली के अंदर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर बनाएंगे। फिर एक जो डबल क्रोशिया दिखेगा उसके ऊपर बनाएंगे यहाँ पर। फिर एक जाली के अंदर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर एक इसके ऊपर बनाएंगे हम इसके ऊपर, और इस रो को ऐसे ही बनाना है। जाली के अंदर भी डबल क्रोशिया बनाना है हमें और डबल क्रोशिया के ऊपर भी बनाना है, ठीक है। तो ऐसे ही बनाते हुए हम कॉर्नर तक लेकर आएंगे। यहाँ बनाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे, ऐसे ही बनाते हुए कॉर्नर तक लेकर आएंगे। फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो ये कॉर्नर तक जब हम आ जाएंगे तो देखिए एक इसके अंदर बनाएंगे, बीच में जो दो डबल क्रोशिया दिख रही है ना इसके अंदर यहाँ पर बना लेंगे हम, ठीक है। फिर हम इसके अंदर दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया का कॉर्नर बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे, ये देखिए। इस साइड भी ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे, फिर जो जाली दिखेगी इसके अंदर बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सिंपल है, जब बनाएंगे आप लोग तो आपको समझ आ जाएगा। फिर इसके ऊपर बनाएंगे हम, ऐसे ही बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। पूरी रो हमने बना ली है। अब देखिए दूसरी रो में फिर से हमने जाली डालनी है, जैसे पहली रो बनाई थी जाली वाली वैसी बनानी है। तो सबसे पहले तीन चेन बना के इसको घुमाएंगे। फर्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चेन को काउंट किया तो ये दो डबल क्रोशिया हो जाएंगी। और अब एक चेन लेनी है हमें और एक चेन को छोड़ना है और डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। एक चेन लेकर इसको छोड़ेंगे यहाँ बनाएंगे, फिर एक चेन लेनी है और एक चेन छोड़नी है, डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही बनाते हुए हमें कॉर्नर तक जाना है, कॉर्नर के अंदर वैसे ही रिपीट करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक रो में जाली वाला डिज़ाइन बनेगा और एक रो अभी जो इससे पहले हमने बनाई थी ना वैसे बनानी है। इन दो रो को फॉलो करते हुए हमें बनाना है। कुछ रो हम बना लेंगे फिर आगे आपको बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आ रहा है कलर के वजह से, तो
जो हमने बड़ा साइज का बनाया है ना श्रग, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें लाइट कलर है, स्काई ब्लू कलर है, उसमें अच्छे से दिखेगा आपको, तो वो वाला वीडियो देख लें, ठीक है। तो हम इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट करके कुछ रो बना लेंगे, फिर दिखाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए इन्हें दो को हम फॉलो करेंगे, एक में जाली बनेगी, एक रो ऐसी बनेगी, फिर इसकी अगली रो ऐसी बनेगी, फिर जाली बनेगी। तो इन्हीं दो रो को फॉलो करते हुए बनाएंगे। यहाँ पर हमने टोटल आपको काउंट करके दिखाए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह रो बन गई हैं। पहले हमने दस रो बनाई थी, फिर हमने छः रो जाली वाली बनाई है, ठीक है। एक रो में जाली बनी है, एक रो सादा बनी है, इस तरीके से हमने छः रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था ना तीन तीन डबल क्रोशिया वाला, वो बनाएंगे। तो सबसे पहले तीन चेन बना के, एक दो तीन, तीन चेन बना के फर्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो यहाँ पे दो डबल क्रोशिया देखिए हो गई हैं, ठीक है। अब हम एक चेन लेनी है हमें और एक चेन को छोड़ना है, इसको छोड़ेंगे, सेकंड वाले में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे, दो हो जाएंगी देखिए, फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे, तीन हो जाएंगी, ठीक है। फिर एक चेन लेनी है और एक चेन को छोड़ना है, इस तरीके से तीन तीन डबल क्रोशिया बनाते जाना है यहाँ पर। ठीक है, फिर से एक चेन लेनी है, एक चेन छोड़ेंगे और तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे, फिर दिखाते हैं। पूरी रो बनाने के बाद यहाँ पर हमने धागे बांध दिए हैं, तो देखिए कैसे बांधे हैं वो हम आपको बता दें। कितने देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले एक दो तीन चेन बनाएंगे और इसको घुमा लेंगे। अब हम आपको दिखा दें, देखिए हमने कैसे बांधे हैं, देखिए यहाँ पर हमने धागे बांधे हैं। तो यहाँ पर एक जाली, एक दो तीन चार पाँच छः सातवीं वाली जाली में हमने धागा बांध दिया है, ठीक है। ये सातवीं जाली है, उसमें धागा बांधा है, ठीक है। और इतना हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। और इधर जो कॉर्नर बनाया है वहाँ से हम काउंट करेंगे, जो कॉर्नर बनाया है तो एक एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, ठीक है। इस तरीके से हमने धागे बांध दिए हैं, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, इस तरीके से हमने बांधे हैं धागे। और ऐसे ही हमने दूसरे साइड किया, देखिए कॉर्नर बनाया है वहाँ से, देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। सातवें वाले में हमने धागा बांध दिया है, आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। और यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, तीन चेन लेके और फर्स्ट वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चेन को काउंट किया तो दो हो जाएंगी, एक चेन लेके यहाँ पे तीन बनाएंगे, फिर एक चेन लेके यहाँ तीन,
फिर से एक चेन बना के तीन यहाँ बनाएंगे। फिर से एक चेन बना के तीन हम बनाएंगे यहाँ पे। ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे, जो धागा बांधा है ना वहाँ तक लेकर आएंगे। तीन तीन डबल क्रोशे बनाते हुए जो धागा बांधा है वहाँ तक लेकर आना है हमें। यहाँ बनाएंगे तीन। अब देखिए इस धागे को हम खोल देंगे और यहाँ पे चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चेन बना ली हमने। और जो दूसरी साइड धागा बांधा है ना उसमें ले जाएंगे और उसमें तीन बार बनाएंगे, तीन डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पर इसमें। एक बाजू हमारी ज्वाइन हो गई है, फिर से हम एक चेन लेकर और इसके आगे जो स्पेस है इसमें बनाएंगे। एक चेन लेकर यहाँ बनाएंगे। इसी तरीके से बनाते जाएंगे, कॉर्नर में सेम बनाना है हमें। इस तरीके से कॉर्नर में सेम बनाना है हमने, बना लिया है। और अब दूसरी साइड भी सेम रिपीट करेंगे, ठीक है। एक चेन लेनी है इसमें तीन बार। फिर एक चेन लेनी है और जो धागा हमने बांधा है ना धागे तक हम ऐसे ही लेकर आएंगे। देखिए धागा बांधा है, इसको खोल देते हैं, इसके अंदर भी तीन बार बनाएंगे। ठीक है, अब फिर से हम आठ चेन बनाएंगे जैसे अभी हमने इस साइड बनाई थी और दूसरे धागे में डालकर फिर बनाएंगे। तो इसी तरीके से आठ चेन बना लेंगे। देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और अब इस साइड बनाएंगे यहाँ पर, इसमें बनाएंगे तीन बार। इसी तरीके से एक एक चेन लेकर पूरी रो कंप्लीट करेंगे, फिर दिखाते हैं। तो इसी तरीके से देखिए हमने पूरी रो बना ली है, फिर से वही स्टार्ट करना है हमें। मुड्ढे हमने ज्वाइन कर लिए, अब फिर से हम तीन चेन बना के फर्स्ट वाली चेन में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब एक चेन लेके इसमें बनाएंगे तीन बार। फिर एक चेन लेनी है यहाँ तीन बार। ठीक है, फिर एक चेन लेकर और इसके आगे जो स्पेस दिखेगा इसमें बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए हम जो हमने चेन बनाई है वहाँ तक लेकर आएंगे।
ठीक है, ऐसे बनाते जाएंगे, जो चेन बनाई है वहाँ तक लेकर आना है। तो हम यहाँ तक आ गए। अब जो चेन बनाई है इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चेन बना के और 3 फिर से बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर से एक चेन बना के और 3 फिर से बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, फिर एक चेन बना के तीन इसके अंदर बनाएंगे। फिर एक चेन बनानी है और ऐसे ही बनाते जाएंगे, हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और अब हम येलो कलर लगा के जैसे हम डिज़ाइन बना रहे थे ना वैसे ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे ऊन को ज्वाइन करेंगे। चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब एक चेन लेनी है और जो स्पेस दिखेगा इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे हम डिज़ाइन बना रहे हैं ना, जितने भी स्पेस हैं सब में 3 3 डबल क्रोशिया बनाना है, वैसे बनाते जाना है। कॉर्नर पर कोई चेंज नहीं होना है। कॉर्नर के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया ही करेंगे। तो 4 रो हम येलो की लगाएंगे, फिर 4 रो ग्रीन की लगाएंगे, फिर 4 रो येलो की लगाएंगे। अब आपको जितना भी लंबाई इसकी रखनी है उस हिसाब से बना लें। ठीक है, और बनाने के बाद फिर हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है। तो इसी तरीके से बना लेंगे हम। देखिए हमने 4 रो येलो की बना ली, फिर 4 रो ग्रीन की लगा ली, फिर 4 रो येलो की बनाई हैं। इसके बाद आपको जितनी भी लेंथ रखनी है उस हिसाब से बना लें। और लास्ट में आपको ऊन को कट करके बांधना है। तो हमने जो बड़ा साइज बनाया है ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसमें हमने ऊन को कट करके बांध के दिखाया है कैसे बांधना है, वो वीडियो देख लें जाके। अब मैं आपको पहन कर दिखा दूँ। तो ये पूरा हमारा बन गया है, बहुत ही खूबसूरत सा श्रग बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए पूरा हमारा बन गया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, और एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो बाय।